है एंड आप लोग कैसे होंगे, उम्मीद अच्छे होंगे। दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोग को, हैप्पी दशहरा। आज मैं जा रही हूँ दशहरा के अवसर पर पनीर बनाने, जो आप लोग को काफ़ी पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। 750 किलो मैंने पनीर लिए हैं, जिसको आप कट कर लूँगी। इधर आप मैंने 2 से 3 प्याज को कट कर लिए हैं, टमाटर है, लहसुन मैंने लिए हैं कुछ, छिलका उसका हटा लो, 2 मिर्ची हैं, अदरक लिए हैं जिसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। इधर कुछ सूखे मसाले हैं, आप देख सकते हैं। मैंने पनीर को आप चक्कू की सहायता से इस तरह से कट कर ले, देख सकते हैं इस तरह से। बहुत ही टेस्टी और यम्मी होती है इसकी सब्ज़ी, आप लोग भी बनाएं। आप चाहे तो इसे मटर के साथ बना सकते हैं, पालक पनीर के साथ पालक पनीर भी बना सकते हैं। इसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दे दूंगी, अभी मैं सिर्फ पनीर की ही बनाने जा रही हूँ। इस तरह से आप ही सावधानी से इसे कट कर ले, 4-4 भागों में इस तरह से कट करें, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में, और इसे डीप फ्राई कर ले। तो चलिए मैं सारे को कट कर लेती हूँ इसी तरह से। आप देख सकते हैं मैंने पनीर को अच्छे से कट कर लिया है। इधर मैंने मसाले भी पीस लिए हैं, ग्राइंड कर लिए, जिसकी मात्रा मैंने आप लोग को बताई है। इधर टमाटर का भी मैंने प्यूरो बना लिया। तो चलिए इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करते हैं। आप चेक करके देख सकते हैं, थोड़ा सा पनीर डाल करके आप चेक कर लें कि तेल गर्म है कि नहीं। रिफाइन गर्म है होगा तो उसमें आप तेल सरसों के तेल में आप देख सकते हैं तेल हल्का सा पैन गर्म हो चुका है। इसमें एक बार में ज़्यादा ना डालें, थोड़े थोड़े करके आप इसे डाल करके फ्राई कर लें। कारा ना करें, नहीं तो खाने में वो टेस्टी नहीं लगता है। हल्की मीडियम ही फ्राई से हम लोग को करनी है। तो चलिए मैं अब इसे फ्राई कर लेते हैं। इसी तरह से आप भी एक एक डाल करके इसे फ्राई करें, या नानी से करें इस तरह से। इसे सड़क उलट करके अच्छे से कर लें, चलाते रहें। इसे हल्का हल्का हाथ खींचने लगेगा, दोनों से सीख जाएगा। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा गोल्डन हो गया है। इसी तरह से आप भी सारे पनीर को फ्राई कर लें। इधर मैंने कुछ डाल दिए हुए हैं, इसी तरह से आप भी धीमे फ्लेम पर ही फ्राई अच्छे से। इसमें धनिया पाउडर ऑलरेडी मिक्स रहता है सब्जी मसाले में, इसे भी अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए, आप चाहें तो हल्का सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, फूलने के लिए रख दें, इससे और भी टेस्टी और यम्मी होता है। तो चलिए मैं इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देती हूँ। और इधर आप देख सकते हैं इसे आप इस तरह से छलक लें, इस तरह से गोल्डन हल्का हल्का ये हो रहा है इस तरह से। आपको मैं आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एक बार निकाल चुका है। तो चलिए इसी तरह हम सारे पनीर को फ्राई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने सारे पनीर को फ्राई कर लिया है। इधर तेल गर्म है, अब आप इसमें जो सूखे मसाले हैं उसे आप इसमें ऐड कर लें। जीरा पाउडर, दालचीनी का मैंने टुकड़ा लिया है बड़ी, उसके बाद में आप इसमें मसाले जो मैंने ग्राइंड किए थे उसे डालें। उसमें हल्दी पाउडर डालें, सब्जी मसाला का मात्रा मैंने बताया था, 1/2 चम्मच के लिए पाउडर डाल दें। उसको मैं 1/2 चम्मच की मात्रा से ही आप रेड चिली पाउडर भी ऐड कर ले इसमें। देखिए मैंने डाल दिए हैं, सबको मिक्स कर अच्छे से मसाले को भून लें गोल्डन जब तक तेल निकलने लगेगा। इसका मतलब है कि मसाले अच्छे से आपके भून चुके हैं। तो आप इसमें टमाटर का प्यूरे ऐड कर लें और मिक्स करें। तो चलिए मैं मसाले भून लेती हूँ। आप देख सकते हैं इसमें हल्का हल्का तेल निकलने लगा, इसका मतलब है कि मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब इस समय आप टमाटर का जो प्यूरे ने ग्राइंड किया है उसे डाल दीजिए, उसे मिक्स कीजिए। और इसमें आप जैसा ग्रेवी रखना चाहिए उस तरह से ग्रेवी आप 1/2 गिलास या 1 गिलास के लगभग पानी डाल करके तो अच्छे से मसाले को पका लीजिए। गरम मसाला भी आप इसमें ऐड कर लीजिए। इस तरह से मैंने डाला है, सबसे लास्ट में मैं नमक डालूँगी। तो इसी तरह से 1 मिनट के लगभग भून लीजिए इस तरह से, और ग्रेवी को आप 1 से 2 मिनट तक पका लें। और मैंने इसमें पनीर डाल करके इसे लगभग 1 से 2 मिनट तक और आप ढक्कन लगा कर पका लें। उसके बाद में इसे आप सर्व कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से पनीर को सजा सकते हैं। मैंने कच्चे पनीर से इसे अच्छे से सजा लिया है, धनिया की पत्ती से आप डेकोरेट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने पनीर रख लिया था, और आप इसे पूरी चावल जिस चीज़ के साथ साथ चाहें उसके साथ इंजॉय करें। थैंक यू, धन्यवाद।